हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीएसके पालमपुर का जो जेओए आईटी का आपका एग्जाम था, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टी मीडिया पेजेस। सो व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज योर जावा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल बाबेज वॉज कॉल्ड एज, तो क्या बोला था उसको, एनालिटिकल इंजन, इंजन बोला था उसको। नेक्स्ट इज 1 megabyte इज इक्वल टू, तो कितना होते हैं 1024 kilobytes इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैश आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। सो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो प्रोटोकॉल रहने वाला है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट, तो आपका वर्ड स्टार आया था सबसे पहले। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट MS ऑफिस वेब सर्विस, सो दैट इज योर ड्रॉप बॉक्स इज नॉट योर दैट MS ऑफिस वेब सर्विस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप 1 color pixel ऑन अ स्क्रीन, सो योर 3 dots, ओके 3 विल बी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, योर SMTP, योर दैट इज योर सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड योर ईमेल। नेक्स्ट इज वट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG, दैट इज योर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दैट इज योर Ctrl+F4, A is the correct answer. Next is in MS Excel, which 2 keys must be pressed to enter multiple lines of a text in one cell, that is your A is the correct answer. Then next question is which of the following is not an operating system, so your Java is not an operating system. Next is which of the following is also known as a data set, so your file is also known as your data set, A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट प्रिंट, सो इसका होगा 11.12, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टाइप, सॉरी डेटा टाइप कंटेन्स बाइट्स, सो हाउ मेनी बाइट्स इट कंटेन्स, इट कंटेन्स 4, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच स्केप सीक्वेंस इज यूज फॉर बीप, दैट इज योर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्म इन MS Excel, सो इसमें ऑल आएगा, चेंजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा, एडिंग न्यू डेटा, व्यूइंग वन टाइम रिकॉर्ड डेटा, सो डी ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मेकिंग सम चेंजेस इन डेटा ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल और एडिंग मोर डेटा टू इट इज नोन एज मॉडिफिकेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच अमंग दिस इज नॉट अ जम्प स्टेटमेंट, सो योर 4 इज नॉट एन जम्प। नेक्स्ट इज योर MIPS इज अ यूनिट, इज एन यूनिट ऑफ मेजरिंग, तो क्या आपकी क्या मेजर करता है, ये आपकी स्पीड मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सो वट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दैट इज योर रो, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच स्टैंड फॉर, दैट इज योर बाइनरी डिजिट, ओके बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर अ प्रोग्राम इधर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, सी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, सो आई एम लीविंग दिस आंसर। नेक्स्ट इज WWW स्टैंड फॉर, दैट स्टैंड फॉर योर वर्ल्ड वाइड वेब, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वट विल बी द शॉर्टकट की इन विंडोज टू परफॉर्म कट ऑपरेशन, दैट इज योर Ctrl+X, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट वेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, दैट इज योर हाइपर लिंक, ओके ओके। नेक्स्ट इज इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय, तो वो किससे, आपके 2's complement से कैरिड आउट होती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that manages hardware resources, then system service provider to the application programs, interface between the hardware and application programs, all of the mention,
So is what is the correct answer for this? So all of the mentioned will be the correct answer. So all of the mentioned will be the correct answer for this. Next is your 31st question. Now you have to the following box denotes. So A decision is the correct answer. Next is which is not in MS Word. So your magic tool is not there in MS Word. Next is press dash to open the help window in MS Word document. So you have to press what? You have to press the F1 key. What is happening today? F1 key is the correct answer. Next is the default page orientation is. See, hum computers ki baat karenge, so that is your portrait. Okay. अगर फ़ोन की बात करें तो लैंडस्केप आता है ठीक है. नेक्स्ट इज इन फंक्शन इन MS Excel मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन दैट इज़ योर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज. सो व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज ट्रांजिशंस. वी नो दिस थिंग. नेक्स्ट इज विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो. तो कौन सी की यूज की जाती है? F5 को यूज किया जाता है. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क. दैट इज योर डी इज द करेक्ट आंसर. DIR. ओके. डिर कमांड इज यूज. नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय. सो हाउ दे आर आइडेंटिफाइड बाय? IP एड्रेस इज द करेक्ट आंसर. और IP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ग्राफिक आर. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स? दैट इज योर रास्टर एंड वेक्टर. ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट इज इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP स्टैंड्स फॉर. दैट इज योर इंटरनेट प्रोटोकॉल. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ. तो क्या बेस होता है? 16. ओके. नेक्स्ट इज अ यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट देम इज नोन एज सी. सो प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज टेक्स्ट एडिटर दैट इज द पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज. सो दैट इज योर बी नोट पैड. सो नोट पैड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. वॉट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? सो इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स. ओके. नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज अ. सो वट इज अ कंप्यूटर? इट इज अ हार्डवेयर. नेक्स्ट इज वट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD? दैट इज योर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन. सो वट इट डिपेंड्स अपॉन? सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द फैक्टर्स. ट्रैक पर इंच ऑफ द सर्फेस, बिट्स पर इंच ऑफ द ट्रैक, डिस्क पैक इन अ डिस्क सर्फेस. सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वट इज अ हाइब्रिड? हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू. सो इट रिजेंबल्स बोथ योर डिजिटल कंप्यूटर एज वेल एज योर एनालॉग कंप्यूटर. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर? सो विच इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर? दैट इज योर इंकजेट printer. Next is which of the following is a type of a RAM? So A is the correct answer. Next question is which of the following is not the biometric input method? So that age recognition. Baki to aapka biometric hai na sara. ठीक है. नेक्स्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड. सो वट इज कॉल्ड? वट इज इट कॉल्ड? फ्लो चार्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? So that is your uniform resource locator. A is the correct answer. Next is a software program that is necessary in order to view web pages is called. So that is known as your browser. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड इन नेटवर्क प्रोटोकॉल? सो ATP इज नॉट द networking protocol. Next is what is the full form of virus? That is your vital information resource under CS. So A is the correct answer. Next question is every formula will start in MS Excel with the symbol of equals to. A is the correct answer. Next is which of the following device, input device, enable video conferencing? So your video conference can be by through your
webcam. Next is which of the following is the correct formula format of your email address, that is your C is the correct answer. Next is GK portion starts, which day is observed as the Constitution Day. So, kaun se 26th November ko celebrate kiya jata hai aapka Constitution Day. Next is which is the highest mountain peak in India, that is your K2. ठीक है, नेक्स्ट इज हीरोकुंड डैम जो है आपका वो कौन से रिवर पे बिल्ड है, वो तो वो आपकी महानदी रिवर पे बिल्ड है. नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज योर बेंगलुरु. ठीक है, अभी रिसेंटली भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश बिकेम फुल फ्लेज स्टेट ऑन, तो 25th January 1971 is the correct answer. Next is bonsai is a dash art of growing miniature plant. So ye kaun sa hai, Japanese art hai. ठीक है, next है with which country India shares the maximum length of border, बहुत बार question पूछा गया है, ये हमने discuss भी किया है, Bangladesh is the correct answer. Next is which state in India did organize first e-lok adalat, तो ये किसने की थी, आपकी छत्तीसगढ़ ने की थी. ठीक है, next is in which state or UT did India's first known leopard conservation came up, so कहाँ आई थी, ये आई थी आपके उत्तराखंड में, A is the correct answer. next है अटल टिंकरिंग लैब्स फॉर स्कूल्स वर लॉन्च्ड बाय, तो किसने, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था, B is the correct answer. next is among the following which country is not the member of ASEAN, so your India is not the member. next is where is the Dr. APJ अब्दुल कलाम आइलैंड सिचुएटेड, तो कहाँ है आपका, बालासोर में है वो. ठीक है, नेक्स्ट है इन दैट इज योर रीजनिंग क्वेश्चन. नाउ अनिल रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. सी 7th मतलब 6 पहले है अनिल से, 7th वो खुद है. ठीक है, एंड उसके बाद वो क्या है, बॉटम से वो क्या है 26th रैंक करता है, तो मतलब 25 बच्चे उसके बाद है. ठीक है, तो आप इसको ऐड करोगे तो 32 विल बी द इट्स राइट आंसर. ठीक है, सो बी 32 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय मल्टी ड्रग थेरेपी, दैट इज योर लेप्रेसी, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड शी डैश मी यस्टरडे फॉर अ पार्टी, शी हैज she had called me yesterday for a party. ठीक है, बी. नेक्स्ट इज एक्टिव से आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, आई एम टू फिनिश दिस वर्ड, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है आपका कविता सेड आई हैव बीन ऑन हॉलीडेज, सो कविता सेड दैट शी हैड बीन ऑन हॉलीडेज, सी इज द करेक्ट आंसर, हैड बीन आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है आपको चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर टू द मीनिंग ह्यूमिलिटी, सो दैट इज योर मॉडेस्टी. नेक्स्ट इज इन द वर्ड फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट बुक, सो इसमें जो आपका आंसर रहेगा फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट बुक, सो इसमें आपका एडजेक्टिव रहेगा, फेवरेट क्या है, एडजेक्टिव है. नेक्स्ट इज जो बहुत बोलता हो उसको हम वचाल बोलते हैं. नेक्स्ट निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज शाश्वत का विलोम शब्द क्या है आपका, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है इस मुहावरे का जो सही अर्थ है, आटा दाल का भाव मालूम होना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ठ का उच्चारण का स्थान क्या है आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.